आज हम शेमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पाठ षष्ठम भ्रांतो बालक। भ्रमित बालक संस्कृत कोण पाठावली से एक कथा, थोड़ा सा पाठी का परिचय। प्रस्तुत है पाठ संस्कृत कोण पाठावली इति कथा संग्रह संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। अस्याम कथायाम एका तादृशः बालः चित्तो अस्ति यस्य रुचि स्वाध्याय पेक्षया क्रीडने अधिका भवति। पढ़ने के से ज्यादा वो खेलने में उसको मतलब ज्यादा उसका दिमाग लगता था। सह सर्वदा क्रीडना क्रीडनाथ में अभिलाषित परश तस्य साथय स्वस्य कर्मणि संलग्न भवन्ति। अस्मात् कारणेन सहना क्रीडन्ति अतः एकापि सह नैराश्यम प्राप्य विचिन्त्यति यत सा एव रिक्ता सन् स्थिता भ्रमति। कालांतरे बोधो भवति यत सर्वेपि स्वा स्वकार्य पूर्वन्तः सन्ति अतो मायापि तदेव कर्तव्यम् एव काल सार्थकः स्यात्। थोड़ा अनुवाद समझते हैं। जो ये पाठ है वह संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से इस कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसकी रुचि क्या है पढ़ने से ज्यादा अपेक्षा कायम है, उसकी खेलने में अधिक होती है। वह हमेशा क्या करना चाहता, खेलना ही चाहता, परंतु उसके जो दोस्त है अपने अपने काम में लगे रहते हैं, इस कारण से उसके साथ खेलते नहीं है। इसलिए वह क्या करता है, अकेले ही है ना निराशा को प्राप्त करके सोचता है कि वह खाली रहकर इधर उधर क्या कर रहा, घूम रहा है। उस समय बाद उसे क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है कि सभी तो अपने अपने काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा भी वही कार्य करना चाहिए, वही करना चाहिए जिससे मेरा समय सार्थक हो निरर्थक ना हो। ऐसा उसको क्या लगता है, ज्ञान प्राप्त होता है उस समय बाद। तो चलिए आइए इसी पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपकी पुस्तक में दिया होगा, ये बालक है जो घूम रहा है घर घर, और ये उसके जो दोस्त हैं वो स्कूल जा रहे हैं। अब इसमें आगे की क्या कथा है इसको और पढ़ते और समझते हैं। ये अनुवाद और अनुभवार है, पहले मैं इसको आपको समझाती हूँ। भ्रांत कश्चन बालक पाठशाला गमन वेलाया अगच्छत्, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि नावस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। यतः ते सर्वोऽपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। तन्द्रालो द्रालः लज्जाया तेषां दृष्टि पद्मपि परिहरण एकाकी किमपि उद्यान प्राविशत्। सह अचिन्त्यत् विर्मन्तु एते वाराका पुस्तक दासः अहं तु आत्मनं विनोदस्यामि संप्रति विद्यालय गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यस्य उपाध्यायस्य मुखं दृष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कृत वासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या सन्तु इति। ये जो मैंने अभी आपको संस्कृत में पढ़ाया जो शब्दार्थ है उसको समझिए। आपको उसका चलना भ्रमित, भ्रमित का अर्थ होता है भटका, भ्रमित भटका भ्रमयुक्त, ठीक है, भ्रमित का नहीं भ्रमयुक्त। फिर है गमन वेलायाम, गमन वेलायाम जाने के समय गमन काले, क्रीडितुं खेलने के लिए, लेखितुं है ना,
द्वारा क्रीड़ा भी कालम हेतु समय बिताने के लिए समय याप युतुम वयस्येषु मित्रों में या मित्रेषु उपलब्धमानः उपलब्ध यानी उपलब्धः स्मृत्वा याद करके स्मरणं कृत्वा त्वरणा शीघ्रता करते हुए या जल्दी में त्वरां कुर्वन्तः त्वरयन्तः तन्द्रारु यानी आलसी अलसः अप्रियः दृष्टिपथं निगाहों या दृष्टि परिहरण बचते हुए अचिंत्यत् सोचा वराकः विचारे पुस्तक दामः पुस्तकों के गुलाम पुस्तकानां दासः आत्मानं अपना या अपने आप का निजम विनोदस्य स्यामि मनोरंजन करूंगा मनोरंजन करिष्यामि भूया फिर या पुनः उपाध्यायस्य यानी गुरु का या शिक्षक का आचार्यस्य एते ये फिर है निष्कुट वासिनः यानी वृक्ष की कोटर अथवा क्रीडोद्यान में रहने वाले वृक्ष कोटर निवासिनः वयस्या यानी मित्र जो मित्राणी होते जो मित्र हैं ठीक है आप इसके बाद आगे समझते हैं
इस प्रकार त्रिकुटों खेलते खेलने के लिए निमित्त मधुकर मैंने मौर्य को ब्राह्मण दृष्टवा देखकर त्रिकुटों खेलने के लिए निमित्तम फिर आवायक बुलाया अकार्यक अस्य इसके आवानम बुलावे तिरस्कृतवान ध्यान नहीं दिया ध्यान ना करो भूया भूया बार बार पुनः पुनः हट माचरती हट करने पर आग्रह पूर्वक व्यवहारम कुर्वती संति आगे गुण गुणाकर बोला गुंजनम कृत्वा अवदत। मधु संकलन बुद्धा फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे पुष्प संकलन तत्परा आलम रहने दो त्यजतु मिथ्या गर्व वेन मिथ्या गर्व तेन झूठे गर्व वाले व्यर्थ अहंकार युक्त विचिंत्य सोच कर विचार विचारण कृत्वा इति अन्यत इस प्रकार से दूसरी जगह इति अन्यत दत्त दृष्टि है निगाहें डालने पर चटकम चिड़िया या पक्षी चंचुवा यानी उसकी जो चोंच है चुंचु फटे आदि दानम ले जाते हुए और ग्रह अंतम अवदत माने बोलना यही आओ आगच्छ स्वादुनी स्वादिष्ट स्वादिष्टानी भक्ष कमलानी यानी खाने के जो ग्रास है जो कौर है भक्षणिया भक्षणीय ग्रासा ते माने तुम्हें तत्प्रत्येक नीरम मौसला तृण ग्रहम कार्यम बनाना है रचयानम बट ध्रुमस्य शाखायाम वरदर के ब्रश की शाखा पर बट ब्रक्षस्य शाखायाम स्वकर्म अग्रह अपने काम में लग गया स्वकीय कार्यसु तत्पर उसके बाद बालक ने फूलों के बगीचे में घूमते हुए क्या देखा भौरों को देखकर उसको खेलने के लिए दो तीन बार क्या के बुलाया फिर भी उस भौरे ने उस बालक की आवाज पर ध्यान नहीं दिया तब बार बार बालक के हट करने पर वह भौरा गुनगुनाकर बोला हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे अर्थात भौरा क्या कर रहा था अपना कार्य कर रहा था उसने मना कर दिया था उस बालक ने झूठे घर वाले कीड़े के साथ बात रहने दो उस प्रकार सोच कर दूसरी जगह निगाहें डालने पर चोंच से घास तिनके आदि ले जाते किसको देखा एक चिड़े को देखा और बोला अरे चिड़िया के बच्चे मुझे मनुष्य के मित्र बनो गाँव खेलते हैं इस सूखी घास को छोड़ो मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के ग्रास यानी कौर दूंगा वह तो मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा डालकर घोंसला बनाना उसने ऐसा कहा अरे नहीं तो मैं तो मुझे घोंसला बनाना है ऐसा कहा कहकर वो चिड़ा भी जो था वह अपने कार्य में लग गया। तदा हिन्नो बालिका एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेष्यामि अपरं मनो मानुषोत्तम विनोदे तारम इति विचिन्त्य पालया पालायमानं कमपि स्वानम अवलोक्य प्रीतो बालः एवं इत्थं संबोधय रे मनुष्याणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निगाहदिवसे इदं प्रक्षायशीलतम शीतलम तरुमूलम आश्रस्य अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामि। कुकुरः प्रत्युवदत् यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहकस्य रक्षा नियोग करणान्य मया भ्रष्ट वै व्यमीषतपि इति। शब्दार्थने किं दुखी उपगच्छन्ति पास आते हैं या समीपं गच्छन्ति तद अन्वेष्यामि अपरं इसलिए खोजता हूँ किसी दूसरे को विनोदीयता मनोरंजन करने वाले को मनोरंजन कारणम विचिंत सोचकर चिंतन कृत्वा पालायमानम भागते हुए धावंतम स्वानम कुत्ते को कुकुरम अवलोक्य देखा अपश्य प्रातः प्रसन्न हुए प्रसन्नम तम इथम उसे इस प्रकार तम इथम संबोधय संबोधित किया संबोधित बान निदान दिवसे यानी गर्मी के दिन में ग्रीष्म दिन में आश्रित आश्रय लो आश्रम स्वीकार हो तू इदम इस एकत प्रयक्ष शीतलम छायादार शीतल छाया शीतलम त्वामेव अनुरूपम तुम्हारे ही जैसे त्वामेव अनुरूपम कुकुरम मैंने कुत्ता कीड़ा सहायम केली सहायम खेलने के साथ ही प्रत्यवदत बोला अवदत यह है जो माँ माने मुझे स्वामी ने स्वामी के गृह स्वामी ने रक्ष नियोग कारण रक्षा के कार्य में लगे होने से
सुरक्षा का थोड़ा सा है ना, अल्पमात्रा अपि। अनुवाद समझते हैं, अनुवाद समझते हैं। तब दुखी बालक ने क्या किया, जो दुखी बालक था, बालक ने कहा ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते, इसलिए मनुष्यों के योग मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे को खोजता हूं। इस प्रकार सोचकर तब दुखी बालक ने कहा कि जो जो पक्षी है ये मनुष्य के पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि सब अपने काम में क्या रथ है, लगे हुए हैं, इसलिए जो पक्षी है वो हमारे इसके पास। इसलिए उसने सोचा कि हमें मनोरंजन के लिए कोई दूसरा साधन, मतलब कोई दूसरा मनोरंजन करने वाले व्यक्ति को खोजता हूँ या किसी दूसरे को खोजता हूँ। इस प्रकार सोचे उसने क्या देखा, उसने भागते हुए कुत्ते को देखा और प्रसन्न होकर उस बालक ने इस प्रकार संबोधित किया कि अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में किस लिए घूम रहे हो, इस छायादार शीतल पेड़ के नीचे आश्रय लो, तो मैं भी तुम्हारे जैसे खेलने के साथी को देख रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ। कुत्ता क्या बोला, जो मुझे पुत्रवत प्रेम से पालता है उस स्वामी के घर पर रक्षा के कार्य में लगे होने से मेरे द्वारा थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहता। कुत्ते ने भी उसको मना कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर मैंने अभी आपको भ्रांतो वाले के कुछ अनुवादों को समझाया और आगे की क्लास में इसके आगे को और जो अनुवाद दिए उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिएगा। धन्यवाद।